अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो एंगल्स के बारे में ज़रा इसमें जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर हम मीनिंग समझ लें तुम्हारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। एलिवेशन मीन ऐसे समझ लें कि इसका मीन है हाइट या हाई, हाइट कह लें इसमें। और एंगल ऑफ डिपर्शन मीन इसका होता है डेप्थ। डेप्थ मीन गहराई। कोई भी लाइन है जिसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन जो है, उस लाइन से किसी भी पॉइंट से जो एंगल ऊपर को बढ़ रहा है, हाइट ऊपर की जानिब बढ़ रहा है, जो एंगल ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इसका एंगल है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, ये ओ और ये बी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह बेटा एंगल ऑफ डिपर्शन, डिपर्शन मीन डेप्थ नीचे की जानिब। तो जो हमारी लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, उस लाइन से नीचे की जानिब जो एंगल बनता है, जैसे ये है, तो इस लाइन से नीचे की जानिब जो एंगल बनेगा, इसको सी नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्शन। तो यह एंगल ऑफ डिपर्शन कौन सा हो गया, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये बेटा एंगल ऑफ डिपर्शन है।